हेलो दोस्तों, वेलकम टू नौकरी वाला। नौकरी वाला में आपका स्वागत है। तो आज जो जॉब अपडेट देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं आईटीआई डिप्लोमा बीई बीटेक के लिए, जो कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए रहेगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स आ रखी हैं, ठीक है? तो इन सभी जॉब्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ओके? यहाँ पे जो पहला वैकेंसी निकल के आ रहा है इलेक्ट्रिशियन का, ठीक है? और यहाँ पे इनको डिप्लोमा होल्डर चाहिए। जॉब लोकेशन रहेगा राजस्थान और उत्तर प्रदेश का। सैलरी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 12 से 15 हज़ार पर मंथ के लिए, ठीक है? यहाँ पे ये बोल रखा है कि अगर आपको सोलर फील्ड का एक्सपीरियंस है तो वो मांगा है यहाँ पे, ठीक है? एक्सपीरियंस और फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो वैकेंसी आ रहा है वो आ रहा है ऊर्जा टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे इन्होंने फ्रेशर को मांगा है, फ्रेशर इंजीनियर चाहिए, ओनली मेल कैंडिडेट। लोकेशन रहेगा आपका इंदौर का रहेगा। तो यहाँ पे दो जॉब प्रोफाइल है। पहला डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो मांगा है, कैलिब्रेशन इंजीनियर मांगा है, ठीक है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने बोला है बीई डिप्लोमा या आईटीआई भी चलेगा इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है? ब्रांचेस कौन कौन सी अप्लीकेबल है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है? कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हायर करेंगे, ये 10 हायर करेंगे। लोकेशन आपका एमपी रहेगा, इंदौर। दूसरा जॉब प्रोफाइल देखते हैं यहाँ पे जो आ रहा है, वो आ रहा है पीएलसी वैलिडेशन इंजीनियर के, ठीक है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बीई डिप्लोमा या आईटीआई इंस्ट्रूमेंट के अंदर मांगा है। ब्रांचेज आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन ओनली। नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे 25 चाहिए इनको। लोकेशन आपका रहेगा इंदौर का। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इनका मेल आईडी दे रखा है, आप यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो जॉब आ रही है वो आ रही है सिविल इंजीनियर के लिए। यहाँ पे इनको चाहिए डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियर के अंदर, ठीक है? एक्सपीरियंस किस में चाहिए, वाटर प्रूफिंग के अंदर चाहिए, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनका मेल आईडी दे रखा है, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। यहाँ पे चाहिए ऑस्टिमेशन इंजीनियर, अर्जेंट हायरिंग है। जॉब लोकेशन आपका दिल्ली एनसीआर रहेगा, ठीक है? अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनका मेल आईडी दे रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस का कुछ बात नहीं किया गया, तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो वैकेंसी आ रहा है वो आ रहा है साइट इंजीनियर का। लोकेशन आपका रहेगा एमपी या गुड़गांव रहेगा। एंड यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर मांगा है। 4 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपके पास 4 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इनका मेल आईडी दे रखा है, तो आप यहाँ पे अपना रिज्यूम मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो वैकेंसी आ रहा है वो आ रहा है सेल्स एग्जीक्यूटिव का। जॉब लोकेशन आपका मुंबई रहेगा। सैलरी यहाँ पे 15 हज़ार पर मंथ का बोला है। फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई फ्रेशर अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन बोला है, मतलब कि बीकॉम बीए कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है? बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इनका नंबर दे रखा है व्हाट्सएप का, तो यहाँ पे नीचे नंबर है, आप यहाँ पे नंबर पे डायरेक्ट इनको अपना व्हाट्सएप पे रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो वैकेंसी आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है मेजेंटा करके कंपनी है, उसका वैकेंसी आ रहा है। यहाँ पे इनको चाहिए टेक्निकल सेल्स इंजीनियर का चाहिए। जॉब लोकेशन आपका नवी मुंबई का रहेगा। यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है 2 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स के अंदर, ठीक है? एंड पावर पावर के पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा। यहाँ पे इन्होंने सेकेंड लाइन में बोला है कि अगर फ्रेशर है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि जो ग्रेजुएशन है वो इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ठीक है? अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनका मेल आईडी दे रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो वैकेंसी आ रहा है वो आ रहा है स्पेस रेस करके कंपनी है, वो हायरिंग कर रही है सीनियर सेक्रेटरी का, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर सेक्रेटरी के अंदर। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनका नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, यहाँ पे आप इनको अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो कंपनी आ रही है वो मेजेंटा करके कंपनी है, ठीक है? वो हायरिंग कर रही है चैनल सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए। लोकेशन आपका नवी मुंबई का रहेगा। एंड यहाँ पे इन्होंने 2 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है
चैनल सेल्स मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे रोल पढ़ सकते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे इनका मेल आईडी दिया हुआ है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी वैकेंसी आ रहा है, मेजेंटा करके कंपनी है, वो मांग रही है सेल्स मैनेजर का इलेक्ट्रिकल मोबाइलिटी। जॉब लोकेशन आपका हैदराबाद का रहेगा, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है 2+ ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, सेल्स के अंदर। एंड अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनका मेल आईडी दे रखा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे इनको मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी जो कंपनी आ रही है वो मेजेंटा करके कंपनी है, इनको रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट मैनेजर का, यहाँ पे सोलर एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग का रहेगा। एंड यहाँ पे जो जॉब लोकेशन रहेगा नवी मुंबई का रहेगा। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा है, 8 to 12 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, अगर है तो आप अप्लाई करिए यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो मेल आईडी दिया वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कंपनी आ रही है वर्कशॉप ओपीडिया करके कंपनी है, वो हायरिंग कर रही है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, यहाँ पे इनको फ्रेशर रिक्वायर है, अगर आप फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है 0 to 1 ईयर का, तो यहाँ पे ये देख लीजिए ये होना चाहिए। एंड यहाँ पे इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया और मेल आईडी दी है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ इनका व्हाट्सएप नंबर या मेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो जॉब ओपनिंग आ रहा है वो आ रहा है स्टफिंग कंपनी है, कंपनी का लोकेशन रहेगा सूरत का, यहाँ पे पोस्ट दे रखा है एचआर का, एडमिनिस्ट्रेशन का या ऑपरेशन का, ठीक है। वर्क रहेगा पेरोल पे रहेगा, सैलरी यहाँ पे 10 से 20 हज़ार बोल रखा है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एमबीए चलेगा, एमकॉम चलेगा, बीबीए चलेगा या कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, मतलब कि आप बीटेक किए तो भी चलेगा। फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जॉब टाइमिंग यहाँ पे दे रखा है 9 से 6 बजे तक का, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनका व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो सिविल साइट इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, प्लम्बिंग की कंपनी है यहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने बोला 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए। एंड यहाँ पे जो जॉब लोकेशन रहेगा वो आपका रहेगा बैंगलोर का रहेगा, यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन जो मांगा है बीई सिविल के अंदर मांगा है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे इनका नंबर दिया व्हाट्सएप का, इनको कॉल भी कर सकते हैं या फिर अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आ रहा है वैकेंसी वो यहाँ पे आ रहा है प्लांट मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी का आ रहा है, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मांगा है, एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है बीई बीटेक चलेगा इलेक्ट्रिकल में, और यहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा मांग लिया 4 to 6 ईयर का, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर मांगा है। एंड अगर आपके पास 4 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इनका मेल आईडी दिया है यहाँ पे, इनको अपना रिज्यूम मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी आ रहा है ACCC पावर करके कंपनी है, उसका वैकेंसी आ रहा है, उन्होंने उनको रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट इंजीनियर का, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका मेल आईडी दिया है, इनको अपना सीवी सेंड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस का यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया तो मैं बता नहीं सकता। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, और लास्ट है ये, यहाँ पे जो वैकेंसी आ रहा है वो आ रहा है अकाउंटेंट का आ रहा है, ठीक है, ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 to 5 ईयर का मांगा है, और इन्होंने बोला है कि इमिडिएटली ज्वाइनिंग करने का है एंड सैलरी 10 से 20 हज़ार है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पे बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एचआर का मेल आईडी दिया है, इनको अपना सीवी मेल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनवाना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से बनवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।